काफ़ी मॉडिफिकेशंस दिखे होंगे ऑल ओवर इंडिया में, बट आज आप लोगों के सामने हम प्राउडली प्रेजेंट करना चाहते हैं Hyundai Creta ई मॉडल। ये इंडिया की पहली है जिसको एक मिनी एन लाइन वर्जन में हमने अपडेट किया है। इसका जो एन लाइन है वो 22 से 23 लाख रुपए की गाड़ी वो पड़ती है। ये इसका ई मॉडल है जो 13 से 14 लाख रुपए वाला मॉडल है। ये गाड़ी को मिनी एन लाइन वेरियंट में हमने अपग्रेड किया है क्योंकि एन लाइन आप खरीदेंगे तो ब्लैक गाड़ी पे रेड टचेस आपको मिलते हैं। ये कार में जो कंप्लीट बम्पर, द ऑल न्यू लॉन्च बम्पर फॉर द Hyundai Creta स्पेशली डिजाइंड फॉर द ब्लैक कलर कार, जो ब्लैक गाड़ी पे पियानो ब्लैक कलर का बम्पर है, कार्बन फाइबर इंसर्ट्स के साथ है, रेड टच के साथ है, ये आपके एग्जिस्टिंग बम्पर के ऊपर जाके ऐड हो जाता है। ये सिंगल प्रोडक्ट एक लगने से जो मेरी गाड़ी का पूरा चेहरा है आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से है, और जो सोने पे सुहागा है, द 16 इंच एन लाइन के एलॉय व्हील्स ये गाड़ी के अंदर हमने लगाए हैं। आप लोग देख सकते हैं ये एन लाइन का डिज़ाइन भी हमको मिल जाता है, एन लाइन का लोगो भी हमको मिल जाता है, प्लस टायर भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये डिज़ाइन आपके एग्जिस्टिंग टायर के ऊपर जाके ऐड हो जाता है। इस एलॉय का, इस बम्पर के साथ जब दोनों चीज़ों को साथ में हम देखते हैं, ये है ब्लैक, इसमें है रेड के टचेस, ये एलॉय व्हील्स हैं ब्लैक, इसके कैलिपर्स को हमने रेड पेंट कर दिया है, इसका एन लाइन का जो लोगो है इसमें भी रेड का टच आपको दिखेगा। किस तरीके से ये ई मॉडल है बट इसमें फुल क्रोम के डोर वाइजर जो है स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट एक्सट्रीम कॉर्नर टू द राइट एक्सट्रीम कॉर्नर या टर्न के साथ आते हैं। आप Hyundai से भी खरीदेंगे वो यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। इसकी खास बात है ये नीचे तक बेंड हो जाते हैं। क्रोम थोड़ा सा विंडो पे, थोड़ा सा हैंडल पे, रूफ रेल्स भी हाई ग्लॉसी पियानो ब्लैक कलर के अंदर है, बट आन बान और शान है जो पीछे का बम्पर हमने इसके अंदर इंटीग्रेट किया है। जैसे आप एन लाइन देखते हैं एग्जॉस्ट के साथ है, रेड टच के साथ है, उसी प्रकार से जो पीछे का हमने लगाया है कार्बन फाइबर टेक्सचर के साथ, रेड लाइन के साथ, सी द ब्यूटीफुल लुक ऑफ माय कार जो मेरे को उसके अंदर मिल रहा है। एक बम्पर आगे, दूसरा बम्पर पीछे, तीसरे एलॉय व्हील, चौथा एडवेंचर के साइड वेंट्स जो Hyundai के जेन्युइन आते हैं, एंड पाँचवा हमारा रूफ रेल। ये गिन के 5 आइटम गाड़ी के बाहर हमने लगाई है। लुक एंड गेटअप आप लोगों के सामने है। कमिंग टू द इंटीरियर, वन ऑफ द मोस्ट स्पोर्टी इंटीरियर आप लोग देख सकते हैं। टॉप गियर के सीट कवर्स हमने लगाए हैं विथ 1, 2, 3, 4 and 5 कुशनिंग जोन्स। सी द फिटमेंट एंड द फिनिशिंग ऑफ द सीट कवर्स। दरवाज़ों में जो हाथ रखते हैं वहाँ पे लेदर रैपिंग है, वो भी टॉप गियर ब्रांड के फैब्रिक से है, फुल ब्लैक विद द रेड स्टिच ऑन द ए पार्ट, द रेड लेदर ऑन द बी पार्ट, द हिडन एम्बियंट लाइट, द कंप्लीट हाईलाइटर ऑफ द कार, डैशबोर्ड क्या, चारों दरवाजे क्या, इल्यूमिनेटेड विद द हिडन एम्बियंट लाइट आप लोग देख सकते हैं। ये गाड़ी में आज दिन तक का ऑडिसन का बेस्ट साउंड सिस्टम हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। इस साउंड सिस्टम की फिटिंग और इंस्टॉलेशन भी हम लोग आपको बताएं। द बेस्ट साउंड सिस्टम फॉर Hyundai Creta एक बार फिर से हम लोग इस क्रेटा में लगा रहे हैं जो महाराष्ट्र गोवा बॉर्डर से हमारे पास आई है। नवी क्रेटा एक ऐसी गाड़ी है जिसमें थ्री वे साउंड सिस्टम लगने की जगह Hyundai आपको देती है बेस मॉडल से ही। थ्री वे का मतलब है बेस आपको अलग सुनाई देगा, मिड फ्रीक्वेंसी अलग सुनाई देगी, ट्रेबल आपको अलग सुनाई देगा। तीनों चीज़ों को बजाने के लिए तीन क्रॉसओवर साथ में आते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्पीकर्स हैं, एंड इसकी एक खास बात है ये Hyundai Creta 2024 के लिए प्लग एंड प्ले आते हैं, वरना मार्केट में लोग क्या कर रहे हैं, टू वे अलग से बेच रहे हैं, थ्री वे का सेटअप उसमें अलग से डाल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है। किस तरीके से थ्री वे जो हम ये गाड़ी के अंदर हमने इंटीग्रेट कर दिया है, ऑडिसन APK 163 जिसमें बेस दरवाज़ों में लग गया है, मिड रेंज यानी कि सेंटर स्पीकर लगने की जगह डैशबोर्ड में आती थी, ट्यूटर हमने लगाया है यहाँ पे। ये तीनों जो कंपोनेंट्स हैं तीनों को बजाने के लिए तीन क्रॉसओवर दिए हुए हैं। ये सारे सेटअप को ऑडिसन के ही SR4.3 फोर चैनल डी क्लास पावर एम्पलीफायर के साथ जब हम पावर करते हैं, आप लोग इसकी इंस्टॉलेशन देख सकते हैं। एंड जो खास बात है
द म्यूजिक सिस्टम विच इज इंस्टॉल्ड इट इज 12.33 इंच इन साइज. जहाँ से स्क्रीन खत्म होती है वहाँ से स्पीडोमीटर चालू होता है. ऑफलाइन मैप्स के साथ है, विदाउट इंटरनेट भी रास्ता दिखाने का सिस्टम है. इट इज़ विद द सिम कार्ड कनेक्टिविटी एंड द ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो ये गाड़ी के अंदर हम लोग लगा रहे हैं आप लोगों के सामने है. जस्ट लिसन टू द साउंड क्वालिटी जो इसके अंदर हमको मिल रही है. सर हमारे पास ऑल द वे गोवा से आए हुए हैं क्रेटा लेकर के गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर से. एक ही रिक्वायरमेंट थी रोजी, साउंड सिस्टम ऐसा चाहिए कि क्या उसके अंदर ही बात है. कैसा बज रहा है भाई? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा. मैंने आपका वीडियो देख के इधर आया हूँ, बहुत 3 साल से देख रहा हूँ वीडियो आपका. साउंड सिस्टम बेस्ट है बहुत. एक नहीं बल्कि 2 गाड़ियाँ हैं आप लोग देख सकते हैं. ये सेकेंड क्रेटा है, ये भी ई मॉडल है. इसमें भी हम 3-way सेटअप कर रहे हैं जो ऑडिसन का APK 163 है. इट्स अ 3-way कॉम्पोनेंट 125 वॉट RMS के साथ है. मेरा आप लोगों से चैलेंज है, एक बॉक्स के अंदर कंप्लीट सॉल्यूशन कोई भी ब्रांड आपको नहीं देगा. अलग से ये लगाओ, अलग से वो लगाओ, जस्ट सी द फिटमेंट ऑफ द सेंटर स्पीकर जो उसके अंदर हम लोग ने इंटीग्रेट किया हुआ है. जो बेस है वो डोर्स में लग रहा है. जो ट्यूटर है उसको भी हम लगा रहे हैं. किस तरीके से 3-way का ज़माना है और उस ज़माने के साथ साथ ये हम लोग इस गाड़ी में 16 इंच के एलॉयस एन लाइन के लगा रहे हैं. पूरी गाड़ी रेडी होने के बाद हम लोग आपसे बात करेंगे. आवाज़ आप लोग ने सुनी है जो स्पीकर्स ये गाड़ी के अंदर हमने लगाए हैं, जो 3-way का सेटअप हमने किया हुआ है, जब स्टेयरिंग कंट्रोल्स गाड़ी में नहीं थे वो उसमें लगे हैं, सनग्लास होल्डर नहीं था चश्मा रखने के लिए वो भी उसके अंदर लगा है, एक स्क्रीन का जो फिट एंड फिनिश है आफ्टर इंस्टॉलेशन लुक आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से 12.33 इंच इन साइज. ऑफलाइन मैप्स के साथ वीडियो की जो एक एक क्लैरिटी मुझे देखने के लिए मिल रही है, सी द क्लैरिटी ऑफ द वीडियो, अल्टीमेट क्लैरिटी के साथ है दोस्तों. ये चीज़ चाहिए गाड़ी के अंदर बैठने के बाद. जो एक एक साउंड की इक्विलाइजर की भी सेटिंग उसके अंदर दी हुई है आप लोग देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड है. इसको हम लाउड पे कर सकते हैं, यूज़र पे कर सकते हैं. सराउंड साउंड सेटिंग्स के साथ आती है. बेस को हम एनहांस कर सकते हैं, इसकी जो फ्रीक्वेंसी को आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर को किस तरीके से बेस को, बेस की जो रेंज है आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं. ज़बरदस्त तरीके से ये चीज़ आती है. एक एक जो स्पीकर की सेटिंग है फेडर बैलेंस की आप लोग इसका इंटरफेस देख सकते हैं. 5 चीज़ें जो इंसान वापरता है, एक एप्लीकेशन, एक नेविगेशन, एक वॉइस कमांड, एक रेडियो यहाँ पे उसके अंदर दिया हुआ है. लुक एंड गेटअप देख सकते हैं कि चारों दरवाजे, सामने का कंप्लीट डैशबोर्ड हैज़ बीन लेदर रैप्ड इन द रेड कलर. एक जो गाड़ी का लुक मेरे को मिल रहा है आप लोगों के सामने है. हेडलाइट के जो बल्ब हेलोजन आते थे वो LEDs के साथ अपग्रेडेड है. जो लो बीम हाई बीम पे रोशनी है, इट्स अ फुल्ली फोकस्ड लाइट ऑन द रोड, कंपनी जो लगा के देती है पीले बल्ब आते हैं. DRLs यानी जो डे टाइम रनिंग लाइट है जो लेफ्ट और राइट के पैनल को इंटरकनेक्ट करती है, ये भी हमने इसके अंदर लगाई हुई है. ORVM मिरर्स जो लॉक करने पे फोल्ड हो जाते हैं एंड अनलॉक करने पे ओपन हो जाते हैं, वो भी इसके अंदर हमने लगाए हैं. इसका वर्किंग ऑपरेशन भी आप लोग देख सकते हैं. ब्रेक मारते हैं पीछे की तरफ जो रिफ्लेक्टर लाइट्स डमी थी वो भी उसके अंदर इंटीग्रेट हुई है. इसका भी लुक एंड गेटअप आप लोग देख सकते हैं. एक विद बम्पर आपके सामने गाड़ी है. दूसरी एक और क्रेटा आई है,
हुंडई की है, ब्लैक कलर ई मॉडल है, विदाउट बम्पर। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से दिख रही है। एलॉय व्हील्स सेम हमने लगाए हैं, आप लोगों के सामने है, 16 इंच डायमंड कट, सेम डोर वाइजर, सेम क्रोमियम वर्क, सेम रूफ रेल। द डार्क ग्रे एंड रेड इंटीरियर हैज बीन डन इन द कार, टॉप गियर ब्रांड का, द कंप्लीट डार्क ग्रे विद द टच ऑफ द रेड। डोर में लेदर रैपिंग सेम टू सेम हमने की है, आप लोगों के सामने है। स्टेयरिंग कंट्रोल्स हमने लगाए हैं, स्टेयरिंग को हमने लेदर रैप किया है, सेम स्क्रीन हमने लगाई है, सेम थ्री वे सेटअप के स्पीकर्स हमने लगाए हैं। किस तरीके से जो रूफ रेल्स हैं वो लगी हैं ऊपर की तरफ, आप लोगों के सामने है। एक जोड़ी बल्ब हमने चेंज किए हैं जो कंपनी देती है, आप लोगों के सामने ये पीली लाइट है, इसकी रोशनी जो हमने लगाई है वो वाइट लाइट है। जस्ट सी द डिफरेंस एंड द थ्रो। मेरा फिर से एक बार शुक्रिया है कि हुंडई क्रेटा पे इतना ज़बरदस्त रिस्पांस आप लोग ने हमको दिया है। सर हमारे पास आए थे, एक ही चीज़ मेरे को बोली थी, रोहित जी आप गाड़ी को दिल से बनाइए, और सर का हम वेलकम करते हैं, शुक्रिया करते हैं, उनका थैंक यू करते हैं। दोनों दोस्त हैं, महाराष्ट्र गोवा बॉर्डर से हमारे पास आए हैं, एक ही दिन में दोनों ही गाड़ियों को हमने कंप्लीट बेस टू टॉप मॉडल कन्वर्ट किया है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल कैसी गाड़ी अपनी लग रही है, कैसा आपका एक्सपीरियंस है, इतने दूर से आना मायने रखता है कि नहीं रखता? जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया गाड़ी, और स्पेशली वो सामने वाला बम्पर है, एम्बियन लाइट आपका, और बाकी सब एलॉय व्हील का भी, वो जो कंपनी जेन्युइन पार्ट बहुत सारे मिले हमको इधर पे। साउंड सिस्टम कैसा? साउंड सिस्टम तो एकदम टॉप लेवल गाड़ी में, टॉप लेवल बिक गया है खाली आवाज सुन के। जब से गाड़ी लेने का नहीं था जिसकी साउंड सिस्टम लगाने की, वो कम से कम बोल रहे थे क्या बज रहा है, दो स्पीकर तो लगा दो ऑडिशन। ठीक है ठीक, जितना सोचा था उससे बहुत बढ़िया हो गया। और जब से गाड़ी लेने का सोचा था ना, तब से यही था कि रोहित भाई के इधर आएंगे और गाड़ी का काम करेंगे। कहाँ से आए हैं हम? अभी सिंधुदुर्ग से आए, कुड़ाल से। कुड़ाल से हमारे पास आए हैं, आप लोग देख सकते हैं दादा कशी वाटली गाड़ी, इंटीरियर गाड़ी, इंटीरियर आणि गाड़ी तुम्ही एक नंबर बनवली आहे, म्हणजे आम्हाला अपेक्षित होतंच तुमच्याकडून। तुमचे व्हिडिओ आम्ही याच्या अगोदर पण बघितले होते यूट्यूबला, त्यामुळे आम्ही तुमच्याकडे आलेलो गाडी बनवण्यासाठी, त्याप्रमाणे तुम्ही गाडी A1 बनवली, एकदम मस्त झाली आहे गाडी। बरोबर आहे, धन्यवाद आहे, थँक्यू आहे। द ह्युंडई क्रेटा फर्स्ट मिनी एन लाइन वर्जन आप लोगों के सामने, क्योंकि एन लाइन तो आप लोग देखिए कि किस तरीके से है, बट ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका एन लाइन कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। डेफिनेटली लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। ड्राइव सेफली एंड थैंक यू।